हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना ही ट्यूनर। अभी वीडियो देख रहे थे, वीडियो बनाने थे प्रोफेशनल तरीके से, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दीजिए ताकि हम सभी वीडियो डालते तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना बकवास करते हैं, बिना इंट्रो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली काइनमास्टर ओपन करना, ओपन करने वाले प्लस के यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक करना, 60 पर को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने वास्ते इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास। अगर काइनमास्टर नहीं तो हम इंस्टाग्राम फॉलो कर जैसे मैसेज लिखना है, मैसेज हम आपको लिंक भेज देंगे। आपको अगर हम रिप्लाई नहीं दे पाते इंस्टाग्राम पर तो हमें फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा और वहाँ पर आपको लिखना है मैसेज में काइनमास्टर चाहिए तो हम आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करना क्या करना, आपको इसे ओपन कर लिया, ओपन करना यहाँ से आपको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देखिए यही बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसमें यूज करना है, ठीक है। तो यूज बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने बाद क्या करना, आपको देखिए जैसे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, उसका लेयर को बढ़ा देना, जितना वीडियो बना सकते हैं लेयर को बढ़ा देना। बढ़ा देने बाद क्या करना, आपको देखिए अगर इमेज आपको आगे पीछे कर रहा है उसको क्या करना है, तो फिक्स करने के लिए यहाँ से क्रॉप आइकन दिख रहा है, इस जगह आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसको एडजस्ट करके यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपका जो इमेज आगे पीछे नहीं करेगा, ठीक है। उसका लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ स्टिकर का ऑप्शन मिला, ठीक है। आपको अगर आपको मोबाइल यानी जो आपको काइनमास्टर में अगर स्टिकर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको उस जगह आपको मिलेगा ओवर लेयर का ऑप्शन, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए उसका नीचे आइएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से नीचे आइएगा तो यहाँ पर वाटर का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए वाटर फाइल का ऑप्शन मिलेगा और इस जगह आपका नहीं मिलता है तो नीचे जाएगा, गेट मोर पर क्लिक करके यहाँ से आपको फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मेरे नेट हम बंद किया जिससे यहाँ सोने का रहा, तब यहाँ से क्या करना, आपको यहाँ से इस जो वाटर है वाटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास पुराना मास्टर है तो उसमें कान मास्टर है तो उसमें आपको नहीं यूज मतलब नहीं उसमें सेलेक्ट होगा, उसमें जो वाटर वाला उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो नया वर्जन में आया है वाटर वाला, तो वाटर जो हम नया वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको अगर चाहिए तो अगर फ़ोन नया वर्जन यूज करने के लिए आपको नया फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो पुराना वाला जो फ़ोन उसमें काम नहीं करेगा ये जो नया वाला वर्जन है, तो आपको नया वाला फ़ोन है तो इसमें जो मैं इंस्टाग्राम जाकर फॉलो करिए वहाँ से आपको मैसेज करिएगा तो हम अपना वाला काइनमास्टर जो नया वाला है उसको हम भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में, ठीक है। उसके बाद वाटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने बाद क्या लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना, बढ़ा देने का साइज को थोड़ा छोटा कर दिया और इसके ऊपर एडजस्ट कर देना, ठीक है। फिर इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर एडजस्ट करने बाद क्या करना, फिर से थ्री डॉट में क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट करने बाद क्या करना, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आना, ठीक है। इस तरफ लाने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो अल्फाबेट का ऑप्शन दिख रहा है इसको थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। चलिए इतना करते करने बाद क्या करना है, फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने बाद क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है। इस तरफ लाने के बाद क्या करना है, आपको देख लीजिए यहाँ से यहाँ रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको एक बार ऊपर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको रोटेट कर देना, ठीक है। इस तरह से रोटेट कर देखिए, इस तरह से आपका बन जाएगा। बनने बाद क्या करना है, फिर से लेयर क्लिक करना है, आपको जाना है मीडिया में और मीडिया जाने के बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ से जो जो लॉक पीएनजी इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो फ्रेम है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए लव पीएनजी वाला, ठीक है। लव पीएनजी को डाउनलोड करने बाद क्या करना, आपको इस तरह से आपको सेलेक्ट करना और इसके अंदर अपना इमेज लगा, इमेज कैसे लगाता है आपको नहीं पता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा फ्रेम के अंदर इमेज कैसे लगा, इसको इमेज लगा लीजिए। इमेज लगाने बाद क्या करना, इसको सेलेक्ट कर, सेलेक्ट इन इमेज जाना है और यहाँ से ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, आपको ड्रॉप पर क्लिक करना, ठीक है। ड्रॉप पर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉप कर लीजिए, इसको फिर से लेयर क्लिक करना, फिर से मीडिया पर क्लिक करना, फिर से आपको दूसरे का जो फ्रेम है दूसरे का कलर को दूसरा डिजाइन को हम सेलेक्ट कर दे, ठीक है। दूसरा डिजाइन को सेलेक्ट करना क्या, साइज को छोटा कर दीजिए, इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको एडजस्ट कर ले, चाबी के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉप करने के बाद क्या करना है, इसको घिंच कर इस तरफ ले आना, ठीक है, और साइज को थोड़ा छोटा कर दे और यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद करना है, फिर से शुरू में चले लेना है और फिर से लेयर क्लिक करके फिर से मीडिया क्लिक करके हम दूसरे का जो कलर है जो रेड कलर इसको हम सेलेक्ट करके लेयर को बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ा देने के बाद साइज को थोड़ा छोटा कर दे, इसके ऊपर एडजस्ट करना है, जैसे फर्स्ट लाइन मेरे साथ कैसे सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है और थोड़ा सा स्क्रॉप करके यहाँ पर चाबी के आइकन पर क्लिक करके इसको घिंच के लिया साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करने बाद क्या करना, फिर से लेयर क्लिक करना होगा, फिर से आपको मीडिया क्लिक करना होगा और मीडिया क्लिक करने बाद क्या करना, आपको देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए आपको एक फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लिखा, फ्रेम डाउनलोड लिखा होगा, वहाँ से जो नेचुरल फ्लावर पीएनजी डाउनलोड लिखा होगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके क्या इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम अलग अलग कलर के यूज़ किए हैं, आप जितना चाहते हैं कलर इसमें यूज कर सकते, ठीक है। तो हम दो तीन कलर का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड किया तरह से आपको एडजस्ट करते जाना, ठीक है, और लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ाते जाना। जितना भी यूज करिएगा तो लेयर को लास्ट तक बढ़ाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो। लेयर को पूरा लास्ट तक नहीं बढ़ाएगा तो वीडियो जैसे प्ले करिएगा तो वीडियो बीच से मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो फिर वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो उस तरह हम लेयर को इस तरह से बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़ाते हैं आपको फिर से लेयर क्लिक करना है,
लेयर पर क्लिक करने के कहना फिर से स्टिकर पर जाना है। स्टिकर पर जाना है तो क्या करना, यहाँ पर डीजे लाइट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम डीजे लाइट पर चल जाते हैं। तो इस जगह देख लीजिए डीजे लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करना लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है, बढ़ा देना है साथ साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। छोटा करने के कहना इसको इस जगह पर यहाँ पर ला के इसको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने बाद क्या करना आपको फिर से यहाँ जाना है लेयर में और जाना आपको स्टिकर में, फिर से डीजे लाइट को सेलेक्ट करना है। तो मैं डीजे लाइट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, किधर के डीजे लाइट को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ जो जो पीला वाला जो कलर है येल्लो वाला कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा करके क्या करना है इसको ऊपर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट करने के काम देखिए ये जो लाइट है थोड़ा मतलब भद्दा दिख रहा है, जिसको क्या करना 3 डॉट पर क्लिक उसको डुप्लीकेट कर लेना और फिर 3 डॉट पर क्लिक फिर से डुप्लीकेट कर लेना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब लाइटिंग में लाइट आ गया, ठीक है। इस तरह से कर लेना, करने बाद क्या करना आपको देखिए फिर से जो 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 लाइट जो सेलेक्ट किए थे लेयर वाला जो वाटर वाला जो ऊपर का जो लाइट सेलेक्ट किया इसको 3 डॉट क्लिक करके इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करके इसको इस तरफ ले आना, ठीक है। इस तरफ लाने के बाद फिर से डीजे लाइट को सेलेक्ट करना है। यहाँ से चलिए हम डीजे लाइट पे जाते हैं और स्टिकर में जाते हैं, यहाँ से फिर से डीजे लाइट को सेलेक्ट करते हैं। तो हम रेड कलर के यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस पर जो रेड कलर सेलेक्ट करके लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना इस तरह से। इस तरह से बढ़ा देना क्या करना आपको इस साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए, छोटा करके इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, इस तरह से वीडियो प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बनता है, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ बन चुका है। अब इसमें क्या करना फिर से लेयर क्लिक करना होगा, फिर से स्टिकर जाना है और उसको नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या करना आपको, तो यहाँ देखिए कट टर्न का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिए और इस पर नहीं, सॉरी इस पर नहीं करना, इस पर यहाँ फ्लाई सेप सेप्स का ऑप्शन इस पर क्लिक कर दिए, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। आपको इससे अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको नीचे से डाउनलोड कर लेना है गेट पॉइंट पर क्लिक करके और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट कर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने बाद क्या करना है इसको यहाँ रोटेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिए और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने बाद क्या करना है इसको नीचे ले आना और नीचे लाने यहाँ पर इसको एडजस्ट इस तरह से कर लेना, ठीक है। एडजस्ट कर दीजिए, इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना। फिर से लेयर पर क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करने के कारण आपको फिर से स्टिकर जाना है। स्टिकर जाने के बाद क्या करना आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टिकर जाने के बाद क्या करना आपको देखिए नीचे आइएगा। तो देखिए हम यहाँ देख लेते हैं जो लव वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ लव वाला ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर जो यहाँ लास्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना और इसमें देखिए इस तरह से साइज को बड़ा कर देना, बड़ा करके और इसको इस जगह पर एडजस्ट करना, ठीक है। इस तरह से हम बेकार देते हैं फिर से, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इस तरह से बनेगा, तो बहुत साइज बहुत बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस जगह पर एडजस्ट करेंगे तो मतलब थोड़ा देखने में बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से वीडियो बनेगा, देखिए कितना बेहतरीन वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो इसमें और एनिमेशन डालना चाहते हैं और इसमें डाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कितना एनिमेशन डालना चाहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो डालते रहते हैं नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लास्ट में दो वीडियो शो करेगा डिस्प्ले पर जो थंबनेल शो करा है इस पर क्लिक करके आप वीडियो को उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।